तो हेलो यार दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? कैसे? वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ लक गेमिंग। तो गाइस कैसे हो मेरे यार, में बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कीबोर्ड एंड माउस से आप कैसे गेम प्ले कर सकते हो अपना फ्री फायर। फ्री फायर तो बैन हो रहा है, फिर भी बता देता हूँ, कोई और भी गेम खेल सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा कि दूसरा गेम कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एसेसरीज किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको फटाफट से एसेसरीज बता देता हूँ। तो गाइस सबसे मेन एसेसरीज है यूएसबी हब। गाइस ये यूएसबी हब सबसे मेन है, ये आपको मिल जाएगा ऑफलाइन। आपको अगर थोड़ा लोकल लोगे तो 80 रुपीज़ तक, अगर थोड़ा अच्छा लोगे, मैंने अच्छी क्वालिटी के लिया इसलिए मुझे 120 का पड़ा, तो आपको भी मिल जाएगा। मैं देखूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक भी। और सेकंड जो है कीबोर्ड एंड माउस, और फिर आपको एक ओटीजी ले लेना है। ओटीजी आपको कहीं से मिल जाएगी 30 रुपीज़ तक की, मैं ज़रा फोकस कर दूँ। हाँ, ओटीजी आपको कहीं पे मिल जाएगी 30 रुपीज़ तक की। तो चलो गाइस अब मैं इसको सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ओटीजी कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस ये ओटीजी कनेक्ट हो चुकी है, उसके बाद आपको यूएसबी हब की जो पिन है उसको इसमें कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये बटन, तो ये लाइट जल चुकी है हमारी यूएसबी की आपके। और उसके बाद आपको मैं ये माउस कनेक्ट कर लेते हैं। ये माउस कनेक्ट कर लिया, इसकी लाइट जल चुकी है। उसके बाद हम कनेक्ट कर लेते हैं इन कीबोर्ड। कीबोर्ड एंड माउस सब कनेक्ट हो चुका है, पूरा सेटअप हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको ऐप कौन सा चाहिए। देखिए हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब मैं आपको ऐप बता देता हूँ आपको ऐप कौन सा यूज़ करना है। तो गाइस हम अपने मोबाइल में आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने, इसको एडिट एडिट करने में। तो 2 मिनट में फोकस कर लेता हूँ, 2 मिनट। तो गाइस आपको ऑक्टोपस सर्च कर लेना है अपने मोबाइल में, और ऑक्टोपस की एप्लीकेशन आ चुकी है। तो देख सकते हो गाइस ऑक्टोपस की एप्लीकेशन आ चुकी है। तो इस ऑक्टोपस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और गाइस मैं आपको एक बता दूं, ऑक्टोपस बहुत सही ऐप है। पांडा माउस प्रो के लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे, और ऑक्टोपस में गूगल की आईडी लॉगिन नहीं होती बस, वरना सब यानी ट्विटर है सबके अकाउंट की आईडी हो जाती है। और की मैपिंग में आपको बता दूंगा कैसे करना है फ्री में सेव। तो चलो मैं आपको पूरा सेटअप करके फ्री फायर बता देता हूँ और चला के। तो चलो गाइस आपको सबसे पहले ऑक्टोपस ऐप में चले आना है। ऑक्टोपस में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ऑक्टोपस में आके आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको फ्री फायर ऐड कर लेना है। उसके बाद फ्री फायर को ऑन करते वक्त आपको ये अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको सब पे टिक कर देना है, टिक टिक सब पे आपको अलाउ दे देना है, तो ये चल पाएगा। मैं दे देता हूँ अलाउ सबको। तो गाइस देख सकते हो मैंने सबको अलाउ दे दिया है। अब आपको बैक करना है एंड फ्री फायर पे क्लिक करना है, एंड इधर स्किप पे क्लिक करके प्ले स्टोर को भी स्किप कर देना है। उसके बाद अपना फ्री फायर ऑन हो चुका है। तो चलो गाइस अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो यार दोस्तों मैं आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलो मैं अपनी की मैपिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको चले आना है अपने, सॉरी गाइस, तो सबसे पहले आपको चले आना अपनी सेटिंग में। और सेटिंग में जाके कस्टमर, जाके कस्टम एचयूडी में जाना है। और उसके बाद हम अपनी की मैपिंग कर लेते हैं। तो चलो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अपनी की मैपिंग करने के बाद। तो मिलते आपसे की मैपिंग करने के। तो गाइस हमने अपनी पूरी कस्टम एचयूडी कर ली है। तो चलो मैं आपको अब गेम प्ले करके दिखा देता हूँ ये कीबोर्ड एंड माउस के साथ। तो सबसे पहले हम बैक होके लगा लेते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में चले आते हैं और ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट हो चुका है गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम वो करते खेलते हैं। तो गाइस आपको अगर इसके जो बिगेनर है अभी अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए की मैपिंग में आपको बताऊँगा बहुत ही ईजी। तो गाइस सबसे पहले आपको माउस लॉक कर लेना है। माउस लॉक करने के लिए आपको सेकंड माउस जो होता है माउस टू, उस पर दबा के देख सकते हो पूरा लॉक हो चुका है। अब देख सकते हो मैं कितनी अच्छी मूवमेंट कर पा रहा हूँ।
तो गाइस मैं आपको गन लेके दिखा देता हूँ। तो गन ले लेते हैं हम, डबल बैरल ले लेते हैं। तो गाइस हमने गन ले ली थी, अब हम अच्छे से मार लेते हैं एडम चचा को। एडम चचा तो काफी गुस्से में है। तो गाइस मैं आपको है ना अपनी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी लो कर लेनी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो मैं सेंसिटिविटी को एकदम 0 में 6 रख लेता हूँ इसको। अब ये सेंसिटिविटी थोड़ी लो हो चुकी है। अब एडम चचा को खूब मारते हैं अपन। यार एडम चचा को मार ही नहीं है, देख सकते हो गाइस इसके हेड पड़ते हैं इससे। इससे हेडशॉट बहुत अच्छे पड़ते हैं गाइस कीबोर्ड एंड माउस से। आप हेडशॉट बहुत बढ़िया मारना सीख जाओगे कीबोर्ड एंड माउस से। तो गाइस अगर आपको की मैपिंग चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको की मैपिंग की लाऊंगा। एक बंदा भी कहेगा की मैपिंग की चाहिए, मैं ले आऊंगा की मैपिंग की। बस माउस जरा सा मूवमेंट करने पे मूवमेंट हो जा रही है, एकदम पीसी बाईपास, सस्ता पीसी कह सकते हैं उसको। तो चलो यार गाइस मिल से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बता देना आप मुझे कमेंट में, और मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और गेम प्ले की भी वीडियो लाऊँगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ इससे हो सकते हैं। हाँ तो चलो यार गाइस मिलते हैं आपसे जल्द।